नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और शेखर के साथ एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने एशियन सीनियर लैक्रोस स्पर्धा के सेमीफाइनल में स्थान मिलने पर राजस्थान की बिटिया सुनीता मीणा को दी बधाई और शुभकामनाएं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने ली राज्य सड़क सुरक्षा नीति और कार्य योजना की प्रगति की रिपोर्ट। कहा, राजस्थान सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्ष का एक्शन प्लान तैयार करने वाला देश का पहला राज्य। और साथ ही बात करेंगे क्या कुछ हुआ आज 16वीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ने एशियन सीनियर लैक्रोस स्पर्धा के सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाने वाली राजस्थान की बिटिया सुनीता मीणा को बधाई देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, अजय भारत विजयी भारत। राजस्थान की बिटिया सुनीता मीणा जी के नेतृत्व में भारतीय लैक्रोस टीम ने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के साथ एशियन सीनियर लैक्रोस स्पर्धा के सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने पहली बार भाग लिया और प्रथम प्रयास में ही सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इस शानदार उपलब्धि पर सभी देशवासियों को बधाई और भारतीय टीम की सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों का अभिनंदन। विजय की ये स्वर्णिम यात्रा जारी रहे, यही मंगल कामना है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर चलाए जा रहे मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत बुधवार को आगरा रोड स्थित एक फर्म पर कार्रवाई की गई। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा शुभ एंटरप्राइजेज पुरानी आगरा रोड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हाइजीन और सैनिटेशन संतोषजनक नहीं पाया गया। वेयर हाउस में रखे गए खाद्य उत्पाद अवधि पार पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। शेष खाद्य उत्पादों में से आशीर्वाद आटे का नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत लिया गया। जैम, सरसों तेल और ब्रेकफास्ट सीरियल्स के नमूने सर्विलांस जांच के लिए लिए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां योजनाबद्ध तरीके से सड़क सुरक्षा के लिए आगामी 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इसका लक्ष्य प्रदेश में 2030 तक सड़क हादसों में लगभग 50% की कमी लाना रखा गया है। उप मुख्यमंत्री बुधवार को परिवहन मुख्यालय पर राज्य सड़क सुरक्षा नीति और कार्य योजना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री की ओर से अपर परिवहन आयुक्त निधि सिंह की ओर से आगामी 10 वर्षों के लिए तैयार किया गया राज्य सड़क सुरक्षा रणनीति और कार्य योजना पर प्रेजेंटेशन का अवलोकन भी किया गया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, परिवहन, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन विभाग सहित सभी विहित धारक विभागों को एक साथ सामंजस्य रखते हुए सड़क सुरक्षा के लिए काम करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की ओर से तैयार की जा रही ये कार्य योजना सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना का हिस्सा है, जिसके क्रियान्वयन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खान सचिव और चेयरपर्सन राजस्थान गैस आनंदी ने खनन क्षेत्रों में सस्ती और ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होने से प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की खनिज संपदा पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग प्रदेश में ही लगने से ग्रीन एनर्जी के साथ ही रोजगार और राजस्व के अवसर भी बढ़ेंगे। श्रीमती आनंदी बुधवार को सचिवालय में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने RSGL के काम को और अधिक नए क्षेत्रों में विस्तारित करने पर भी जोर दिया। राज्य में मानसून के चलते हो रही भारी बारिश को देखते हुए स्थानीय निकाय विभाग ने सभी अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों में व्यापक तैयारियों और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना है। DLB निदेशक सुरेश कुमार ओला ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को अगले 72 घंटों में होने वाली भारी बारिश के लिए सतर्क और तैयार रहना है। मौसम के पूर्वानुमानों की बारीकी से निगरानी करना और इसके अनुसार आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय करना अनिवार्य है। और अब विधानसभा में आज। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे दिन सवाल जवाब का दौर जारी रहा। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। आज कई विभागों की एनुअल रिपोर्ट पर चर्चा की गई, जिसके बाद विभागों के मंत्रियों ने सवालों के जवाब दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि उदयपुर के GBH मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए NOC की अनियमितता की पुनः जांच जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा
द्वारा कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उदयपुर उपखंड अधिकारी द्वारा मौका मुआयना करने पर किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इसी क्रम में गजेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र के पारदी गैंग द्वारा 12 जिले में लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक आरएसी बटालियन को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त 6 नाके और 8 पुलिस चौकी वहां पर स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़े क्षेत्रों में लूटपाट की घटनाएं ज्यादा होने के कारण वहां सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का गृह मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर एरिया में ये जो पारदी गैंग ने जो आतंक मचाया हुआ है उनको पकड़ने के लिए कुल 146 पुलिसकर्मी जो है वो खाली उस बॉर्डर एरिया में है। इसके अलावा अभी बटालियन की जरूरत तो नहीं है अध्यक्ष महोदय, पर एसपी से हमारी बात हुई थी और डिपार्टमेंट से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो आरएसी बटालियन के जो ज्यादा लोग अधिकांश जो लोग हैं उनको उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बॉर्डर पे कर दिया जाएगा ताकि मान्य सदस्य को ये लूटमार की जो जितनी भी है ये इसकी इनकी प्रॉब्लम नहीं आए। आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा और छीपा बड़ोद में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान का बकाया मुआवजा शीघ्र ही किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर काश्तकारों के नाम सही अंकित नहीं होने के कारण 50,834 काश्तकारों का कृषि आदान अनुदान भुगतान शेष है। आपदा प्रबंधन और सहायता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 से 23 तक अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित 50,834 काश्तकारों का 31,37,00,000 रुपए का कृषि आदान अनुदान भुगतान शेष है। उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि मुआवजे से वंचित रहे किसानों को शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा। सबड़ा और छिपा बड़ौद में अतिवृष्टि से कुल 48,738 काश्तकारों का 31,39,00,000 राशि का आदान अनुदान शेष है। 2,039 जो काश्तकार है उनके वो पोर्टल पे नाम सही नहीं होने के कारण उसकी दिक्कत आ रही है, परंतु जल्दी ही आपके 31,37,00,000 रुपए सैंक्शन कर दी जाएगी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि राज्य में संचालित पशु चिकित्सालयों और उपकेंद्रों में पशुपालकों को आवश्यक दवाइयां निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। शेष दवाइयों के लिए टेंडर प्रक्रिया में है। राज्य सरकार द्वारा दवाइयों की खरीद के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। पशुपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कुल 137 दवाइयां निशुल्क दवाइयों की सूची में है। चुनावों की आचार संहिता के चलते दवाइयों की उपलब्धता में कठिनाई के बावजूद पशु चिकित्सा के लिए आपातकालीन दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। इससे पहले विधायक रुपिंद्र सिंह कुनर के मूल प्रश्नों में लिखे जवाब में श्री कुमावत ने बताया कि पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा पशुपालकों के रोगी पशुओं के उपचार के लिए पशु चिकित्सा संस्थानों की मांग और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। विधि एवं विधिक संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में कहा कि आसिंध विधानसभा क्षेत्र में लंबित प्रकरणों की संख्या के आधार पर परीक्षण उपरांत कैंप कोर्ट शुरू करने पर विचार किया जाएगा। विधि एवं विधिक संसदीय कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आसिंध मुख्यालय पर लंबित प्रकरणों की संख्या कम है, फिर भी दूरी और भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कैंप कोर्ट पर किया जाएगा। वहीं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार गो कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नियमों के तहत आवेदन करने पर पंचायत स्तर पर गौशालाएं और नंदीशालाएं खोली जाएंगी। गोपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गौशालाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार नियमानुसार अनुदान राशि देती है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व नियम के तहत गौशालाओं के लिए भूमि आवंटन के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए अनुदान राशि दी जाती है। वहीं चारे की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं में संचालित गौवंश के भरण पोषण के लिए दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिवस से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।